दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SBI में आप ग्रीन चैनल से पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों आप बिना लाइन में लगे 40,000 के अंदर जो भी अमाउंट जमा करना चाहते हैं, अगर SBI में आप करना चाहते हैं, तो आप अपने SBI के डेबिट कार्ड से बहुत ही आसान तरीके से बिना लाइन में लगे आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम SBI के ब्रांच में हैं और ये जो मशीन है इससे जो है आप 40,000 के अंदर तक पैसा जमा कर सकते हैं। तो अभी आपके पास इसके लिए सबसे पहले आपका ATM कार्ड होना चाहिए। तो ये जो कार्ड है आपको इस मशीन में यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको इस तरीके से कार्ड लगा देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आया गया है कैश डिपॉजिट फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो आपको ग्रीन वाला इस तरीके से बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ कैश डिपॉजिटेड, तो एंटर अमाउंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जितना आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1200 रुपये एंटर कर दिए और आपको ग्रीन वाले बटन को दबा देना है। आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, तो इस तरीके से ग्रीन वाले बटन को एक बार और प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज़ एंटर योर पिन, तो हमको यहाँ पे अपना जो ATM पिन है वो भी एंटर कर देना है। तो मैं ATM पिन अपना एंटर कर देता हूँ। पिन एंटर करने के बाद ग्रीन किस तरीके से क्लिक प्रोसेस हो रहा है हमारा यहाँ पे, जैसे ही वहाँ से सब प्रोसेस करेंगे तो हमको यहाँ से एक स्लिप मिल जाएगी कि आपने इतना पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिटेड किया है। बहुत ही आसान तरीके जो है आप अपने SBI अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो हम वेट कर लेते हैं स्लिप आने का सर की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया है और ये जो है हमारी स्लिप निकल आई है यहाँ से कि हमने जो है अकाउंट में पैसा डाल दिया है। तो देखिए ये जो हमारे पास स्लिप आ गई, हमने पैसा जमा किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने SBI अकाउंट में बिना लाइन में लगे बहुत ही आसान तरीके से पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।